अगम को स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वैक्सीन प्रिवेंटिंग डिजीज एंड एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जो आपको बताते चले कि इस कार्यशाला का उद्घाटन नालंदा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रेणु रोहतगी व अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि इस दौरान टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला में बच्चों में टीकाकरण को बेहद जरूरी करार देते हुए अभिभावकों से अपने बच्चों का टीकाकरण कराए जाने की अपील की गई है। आपको बताते चले कि कार्यशाला में टीकाकरण के बाद कुछ बच्चों में होने वाले शारीरिक समस्या का भी विस्तार पूर्वक चर्चा कर उनके सफल इलाज पर चर्चा की गई है। वही सबों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया है और इस खास मौके पर प्रमुख डॉक्टरों समेत पीजी के छात्र मौजूद थे। नीति सिंह के साथ रॉबिन राज की रिपोर्ट। आज जो है WHO के द्वारा इम्यूनाइजेशन का एडवर्स इफेक्ट पर एक सेमिनार किया जा रहा है, वो ये सब पेडियाट्रिक्स के जो अभी डॉक्टर हैं या PSM के जो डॉक्टर हैं, जो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जो इम्यूनाइजेशन करते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मेरी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ है कि अच्छा से ये कॉन्फ्रेंस हो और सबको ज्ञान में वृद्धि हो। ये WHO के द्वारा किया गया था, जिस हेल्थ डिपार्टमेंट एंड WHO टुगेदर, और ये जितनी भी हमारी इन्फेक्टिव डिजीज़ बच्चों में जिससे अंडर 5 मोर्टैलिटी है होती है, उसके लिए वैक्सीनेशन का स्ट्रेंथन करने के लिए, जिससे हमारे हर बच्चा वैक्सीनेट हो जाए। अभी एट प्रेजेंट हमारे यहाँ खाली 76% बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं, 24% अभी बाकी है वैक्सीनेशन। तो ग्रास रूट लेवल पर जाकर सबको ये एक्सप्लेन करना कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वैक्सीनेशन पढ़वाना, और दूसरी चीज़ ये भी सर्विलेंस उसके लिए भी ज़रूरी है कि इसके वैक्सीन से जो एडवर्स रिएक्शंस होते हैं उसका भी ट्रीटमेंट देना, डॉक्टर्स को आना है। ये भी हम लोग प्रोपोगेट करें सब विलेजेस में जाके, PSCs में जाके, कि कैसे उसका ट्रीटमेंट हो। तो ऐसे में बच्चों को किस तरह से बचाव करने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए? अभी ईद का समय है तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहें, मतलब से बाहर खेलने और ये सब नहीं जाए। स्कूल वगैरह भी अभी बंद होने का समय आ रहा है, पानी जो साफ पानी, हाइजीन और ये सब से बचें। और रोटा वायरस जो बच्चे उस उम्र के हैं जिसमें रोटा वायरस वैक्सीन हम लोग दे सकते हैं, वायरस से, रोटा वायरस से डायरिया का इस मौसम में बहुत चांस रहता है, तो वो इम्यूनाइजेशन के लिए भी हम ये कहेंगे कि लोगों को लेना चाहिए। दिमागी बुखार भी इस समय, दिमागी बुखार का भी समय आ गया है, तो इस समय आउटब्रेक होता है 1 मार्च अप्रैल के समय और 1 जुलाई अगस्त के समय। क्या बचाव तो उसके लिए, बचाव के लिए भी उसके लिए भी वैक्सीन है, जापानीज एनसेफेलाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीन है, वो लेना चाहिए। 1 साल से 15 साल के अंदर के बच्चे सबको वैक्सीन मिलना ही चाहिए। और अब ये रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी ये लागू हो गया है, 9 महीना के एज पे वैक्सीन पड़ता है, और जो नहीं लिया 9 महीना पे वो बाद में भी ले सकते हैं 15 साल के नीचे। और गर्मी से बचना, खाली पेट नहीं सोना, हमेशा खाना चाहिए। जैसे कहीं कुछ जगह ये भी हुआ कि किसी लीची वीची के मौसम में होता है, तो ये सब बहुत सारा डिस्कशन है, लेकिन मेन है कि खान पान अच्छा हो, न्यूट्रिशन अच्छा हो, वैक्सीनेशन।